हेलो फ्रेंड्स, सास बहू का ढाबा में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे खसखस बादाम का हलवा। यह बड़ा ही स्वादिष्ट होता है। इसे रोज़ सुबह खाली पेट खाने से याददाश्त तेज होती है। बादाम में प्रोटीन एवं फाइबर होते हैं और खसखस जो है सर्दी, खांसी और हृदय के लिए अच्छी मानी जाती है। तो आइए बनाते हैं खसखस बादाम का हलवा। खसखस का हलवा बनाने के लिए हम आधा कप खसखस लेंगे। खसखस को एक कप पानी में हम भिगा कर रखेंगे ओवरनाइट। इसके साथ ही चार बादाम भी भिगा कर रखेंगे। भिगोए हुए खसखस को अब हम छलनी की सहायता से छान लेंगे। ये देखिए, हमने इसको छान लिया है। इसके साथ ही जो बादाम भिगाए थे उसको हमने छील कर रख लिया है। अब हम इसे मिक्सी के जार में डालकर पीसेंगे। ये देखिए, मिक्सी के जार में हमने डाल दिया है। अब हम इसको अब एकदम महीन पीसेंगे। यदि इसमें ज़रूरत हो तो थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। अभी देखिए, ये बहुत अच्छा महीन पीस गया है। अब हम इसको कढ़ाई में सेकेंगे। गैस पे हमने पैन रख दिया है। अब इसमें हम 4 टेबलस्पून घी डालेंगे। घी डालने के बाद हम पिसी हुई खसखस को इसमें डालेंगे। घी में हमने खसखस को डाल दिया है। अब हम इसको सेकेंगे। गुलाबी होने तक सेकना है। ये देखिए, अब गुलाबी पन आने लगा है उसमें। एक बात का ध्यान रखें, कभी कभी जब हम खसखस को भिगाते हैं तो दूसरे दिन उसमें थोड़े तार आने लगते हैं, तो उसमें चिंता की कोई बात नहीं है। उसको आप 2-3 बार पानी से धो लेंगे तो वो एकदम साफ हो जाएगा और उसके बाद में आप पीस सकते हैं। ये देखिए, खसखस अब एकदम सिक चुकी है। अब हम इसमें 1 कप दूध डालेंगे। और इसे चलाएंगे। अब इसमें जो दूध है वो थोड़ा और गाढ़ा होना चाहिए, इसलिए हम उसको थोड़ा टाइम और ढक के रखेंगे। अब इसका दूध सूख चुका है। अब इसमें हम 4 टेबलस्पून शक्कर डालेंगे और फुलाएंगे। खसखस बादाम का हलवा अब तैयार हो चुका है। हम इसे अब बोल में निकाल लेंगे। ये देखिए, खसखस बादाम का हलवा खाने के लिए एकदम तैयार है। तो आइए इसका मज़ा लीजिए और पसंद आए तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।